शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बस्तर में खासा फोकस कर रही है। बीजेपी 10 मई को बस्तर समेत प्रदेश के लगभग 45 विधानसभा जहां तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है, वहां संग्रहण करने वालों के लिए बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। फिलहाल बीजेपी अपने प्रदर्शन को लेकर रणनीति बना रही है, लेकिन इस विषय में अब राजनीति होना भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने विधानसभा को चिन्हित कर प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जहां एक ओर तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधाएं कम करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संग्राहकों की आय में वृद्धि की बात कही। मोहन मरकाम ने कहा, बीजेपी इस विषय पर राजनीति कर रही है। देखिए, पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने तेंदुपत्ता के जितने भी संग्राहक हैं, लगभग हमारे यहाँ पर 13 लाख से 15 लाख हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, और उनके लिए जो पहले सुविधाएं दी जाती थी आज की तारीख पर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। लगभग 16 लाख 72 हजार से ऊपर हम मानक बोरा चलते तेंदुपत्ता खरीदी करते थे, और इस कांग्रेस की सरकार में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने मात्र 10 लाख 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा है। तो ये हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके साथ में सीधा सीधा धोखा है। हमारी सरकार तेंदुपत्ता श्रमिकों को मानदेय मानक बोरा बढ़ाने का काम किया। पहले 2500 था, उसको 4000 प्रति मानक बोरा करके गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बस्तर जैसे जहां बैंकों की जो पहुंच से दूर है, तो ऐसे जगहों में नगद भी भुगतान करने का वहाँ की जनता के मांग के अनुसार हमारी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारी सहयोगी स्वाति कौशिक जुड़ चुकी हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। स्वाति, एक तरफ तेंदुपत्ता संग्राहकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं ऐसा कहना है बीजेपी का, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमारे शासनकाल में तेंदुपत्ता संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर मसला क्या है। जी बिल्कुल, देखिए बस्तर के स्थिति की अगर हम बात करें या तेंदुपत्ता की बात करें, तो तेंदुपत्ता संग्रहण जो है वो आदिवासियों के आय का एक जरिया है। लोग तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं और सरकार उस तेंदुपत्ता को खरीदती है, उससे उनको कुछ मानदेय की प्राप्ति जो है वो होती है। तो लगातार इसी विषय पर प्रदेश में चर्चा जो है वो चल रही है। बीजेपी आगामी 10 मई को इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने के मूड में है, जिसे बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर जी, उन्होंने निर्देशित किया है कि ये विषय जो है ये बस्तर से जुड़ा हुआ है। लगभग 90 सीट जो है वो विधानसभा के छत्तीसगढ़ में है, जिसमें आधे से ज्यादा सीट में तेंदुपत्ता संग्रहण के काम को लेकर बीजेपी 10 तारीख को प्रदर्शन करने जा रही है। तो 45 विधानसभा की सीटों पर इसका असर जो है वो दिखेगा। तो ये वो मुद्दा है जहां से बस्तर में कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी एंट्री बनाना चाह रही है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो तमाम जो राजनीति है वो तेंदुपत्ता को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि संग्रहणकर्ताओं की जो संख्या है वो लाखों में है। तो लाखों में जब संग्रहणकर्ताओं की संख्या है, तो भूपेश सरकार ने कुछ मानदेय में वृद्धि की थी, कुछ सुविधाओं में सुविधाओं को लेकर काम बीजेपी के शासनकाल में किया गया था, जैसे उनको कपड़े वितरित करना है या चप्पल वितरित करना है, इस तरीके के जो काम है वो बीजेपी शासनकाल में किए गए थे। तो तमाम चीजों को लेकर अब जब बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है 10 तारीख को, तो वहां पर राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। जी स्वाति, वैसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार किसी पार्टी को बनानी है तो वो रास्ता बस्तर से होता हुआ ही गुजरता है, यानी बस्तर में अगर सक्रियता ज्यादा है तो छत्तीसगढ़ में संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं सरकार बनाने की। अब ऐसे में तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनके लिए मुसीबत क्या खड़ी हो सकती है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आय तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, असल में तेंदुपत्ता संग्राहकों का क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेंदुपत्ता के संग्राहक जो है उनके मानदेय में वृद्धि हुई है, लेकिन वहीं पर बीजेपी लगातार आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि हमने सुविधाएं बहुत दे रखी थी। और बीजेपी का एक मुख्य आरोप ये भी है कि अब जो तेंदुपत्ता का संग्रहण हो रहा है उसमें कम किया जा रहा है। बीजेपी के समय में संग्रहण ज्यादा होता था, तो उनको ज्यादा फायदा होता था। तो ये पूरा ही समीकरण जो है वो अभी समझने वाले मोड़ पर है कि इसको जो एक्चुअल संग्राहक है वो कैसे ले रहा है, वो इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, ये तो भविष्य
के उस पे है कि क्योंकि प्रदर्शन अभी 10 तारीख को होना है, उसके पहले अगर वास्तविकता की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि संग्राहकों को जो पैसा मिलना चाहिए था, जिस जो उनकी पहले भी मांग थी वो तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन ये भी उतना ही है कि सुविधाओं में कुछ उनके कटौती हुई है। जैसा कि स्वाति आप बता रही हैं कि आय में वृद्धि तो हुई है लेकिन जो सुविधाएं मिल रही थी अब वो शायद नहीं मिलेंगी, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ क्या बीजेपी द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बस्तर में जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है ताकि लाइमलाइट में बना जाए? जी बिल्कुल, इसको एक तरीके से लाइमलाइट में बनने की कोशिश तो कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने भी अभी अपने पूरे मुद्दे जो है विस्तृत उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, क्योंकि बिल्कुल कुछ तो वो भी अपने पास बचा के रखना चाहते होंगे आखिरी समय तक के लिए। तो आदिवासी जो है, जो बस्तर जो क्षेत्र है वो प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता तो माना ही जाता है, उसी को लेकर बीजेपी जो है यहाँ पर काम कर रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि उस प्रदर्शन के बाद आम जनता के बीच में इसका क्या मैसेज जाता है। बिल्कुल स्वाति, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी नेता महेश कश्यप जी जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर, उनसे बातचीत करते हैं। महेश जी, जिस तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, आपकी पार्टी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी गई है, उनकी आय में जो वृद्धि हो रही थी वो कम कर दी गई, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो सुविधाएं कम कर दी गई हैं उससे कहीं ना कहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी आय में तो वृद्धि हुई है? देखिए, तेंदुपत्ता खरीदी पिछले आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के कार्यकाल में 15 से 20 दिन विधिवत तेंदुपत्ता खरीदी किया जाता था और हितग्राही अपने मन सुविधा के अनुसार वो तेंदुपत्ता संग्रहण करके संग्रहण केंद्रों में पहुंचाते थे, लेकिन वर्तमान भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा मात्र 1 से 2 दिन खरीदा जा रहा है, जिससे जो तेंदुपत्ता हितग्राहियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि तोड़ा हुआ पत्ता को तालाबों में, नाले में, गड्ढे में फेंकने को मजबूर है। अभी भी ऐसा स्थिति बना हुआ है, कभी कई जगहों से अभी फोन आ रहा है कि हम लोग पत्ता तोड़ के रखें, खरीदी नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ पूर्व जो हमारे सरकार है प्रति मानक बोरा 2500 रुपए के हिसाब से जरूर लेते थे, लेकिन इसके साथ साथ जैसे प्रति मानक बोरा 2500 रुपए का खरीदी करते थे, लेकिन वह पत्ता को जो बेचा जाता था, विक्रय किया जाता था, वो 6000 रुपया से लेकर 13000 रुपया गुणवत्ता के आधार पर बेचा जाता था। उस बेच का अंतर का राशि है उसको तेंदुपत्ता हितग्राहियों को बोनस के रूप में दिया जाता था। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता हितग्राहियों को बीमा जैसा सुविधाएं दिया जाता, तो बीमा इसलिए आवश्यक है क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण करना जंगलों में, पहाड़ों में जंगली जानवरों से, सांप बिच्छू से कई प्रकार के खतरा रहते हैं, इसलिए उनको बीमा जैसे सुविधाएं भी दिया जाता था। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रह परिवार के मेधावी छात्रों को, जो 75% ऊपर अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को 10,000 से ऊपर उनको स्टाइपेंड दिया जाता था, ये योजना भी बंद कर। अच्छा महेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं क्या वो विरोध कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, अभी लगातार हम लोग जन चौपाल के माध्यम से तेंदुपत्ता फड़ों में जा रहे हैं और आपको कई ऐसे वीडियो उपलब्ध कराएंगे। कल एक नलपौंड का करके तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र है, वहाँ कम से कम 100 महिलाएं, उनको तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए कहा गया था, वो लोग तोड़ के घर में रखे हुए हैं, लेकिन कल जाने के बाद फड़ मुंशी के द्वारा स्पष्ट मना किया जा रहा है कि मैं नहीं खरीदूंगा, और उनका आरोप है वीडियो में ये भी बोले हैं वो लोग, हमारे जो लोगों वीडियो जिसमें बनाया गया है कि उड़ीसा का पत्ता लिया गया, हमारा पत्ता नहीं लिया गया। इसी प्रकार नानगुर केंद्र में, ठीक है महेश जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकित साहब, बीजेपी नेता महेश कश्यप जी जुड़े हुए हैं, पूरी बात आपने उनकी सुनी, तेंदुपत्ता संग्राहकों की मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? एक तरफ आप सुविधाएं देने की बात करते हैं, एक तरफ आप वेतन वृद्धि की बात करते हैं, उनकी आय में वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ सुविधाएं भी छीन लेते हैं आप, कहीं ना कहीं मुसीबतें तो तेंदुपत्ता संग्राहकों की बढ़ ही जाएंगी। मैं आपके विश्वसनीय चैनल में ये विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि जो भरोसे की सरकार अभी छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की यहाँ छत्तीसगढ़ में चला रही है, आज जो एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये सूचनाएं थी कि 7 तारीख तक कभी भी इस बीच में तूफान आएगा, फिर से बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, और आज 1 से 3 मई के बीच में मजदूर दिवस मनाने के बाद 3 तारीख से पत्ता तोड़ाई का काम हर साल किया जाता था, खरीदा जाता था, तो मात्र 2-3 दिन का अंतर इसलिए आया कि तूफान आने वाला है। आज आप मुझको बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार 13 लाख पंजीकृत पत्ता तोड़ाइयों से पत्ता खरीद रही है, जो इनकी सरकार में इन्होंने खुद स्वीकारा कि 2500 रुपए में खरीदते थे, आज हम 4000 रुपए में बेसिक प्राइस दे रहे हैं,
और उसके बाद जो बोनस है वो उनको अभी भी मिल रहा है। इन्होंने खुद स्वीकारा कि 10वीं और 12वीं के मेगावी छात्रों को मात्र 10,000 रुपए से ज्यादा ये दे रहे थे, हम उनको 15,000 रुपए और 25,000 रुपए दे रहे हैं। शहीद महेंद्र कर्मा बीमा के नाम पे, ये पहले जिस बीमा के लिए दुर्घटना का ये जिक्र कर रहे थे, सिर्फ 25,000 रुपए देते थे, उसको आज हमने बढ़ा के सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2,00,000 रुपए कर दिया है। ठीक है अंकित जी, अंकित जी, पैसा आपने बढ़ा दिया, पैसा आपने बढ़ा दिया, सुविधाएं कम कर दी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बैलेंस करेंगे क्या? नहीं तो सुविधाएं कहाँ कम की है, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो पत्ता नहीं खरीदा जा रहा है की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो जमीन आज गीली है, पत्ते को सुखाया जाता है, आपको मालूम होगा, सारे वीडियो आप देखते हैं, सारे क्या बोलते फोटोग्राफ्स आपके पास आती है कि पत्ता खरीदने के बाद उसको फड़ में सुखाना पड़ता है। तो जब जमीन गीली थी तो क्या हम उसको घुन लगने के लिए छोड़ देते, दीमक लगने के लिए छोड़ देते, क्या उसको सड़ने देते? और लेकिन अंकित जी, महेश जी तो बता रहे हैं कुछ समय बाद वो वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे जो तेंदू पत्ता संग्राहक है, जन चौपाल के दौरान महेश जी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से लोगों से मिलते हैं, अपनी समस्याएं भी साझा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर पे जिन लोगों ने पत्ता तोड़ के रखा हुआ है, उनका पत्ता जब अभी सूख जाएगा, जो कि फ्रेश रहेगा और जो बहुत अच्छे कीमत पे आज भी बिकेगा, हमने खाली 2 दिन इसलिए वेट किया कि 7 तारीख तक की जो आशंका थी कि तूफान आएगा, ओलावृष्टि होगी और उसमें उनको ज्यादा नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए हमने खाली डिले किया है। नहीं खरीदने वाली तो बात नहीं है। दूसरा, ये पत्ते के माध्यम से कोशिश कर रही है कि जो बस्तर में साफ हो गए हैं, शायद बस्तर में इनकी किसी भी स्थिति में एंट्री हो जाए, इस कारण ये एक प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि असफल रहने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी या कम होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।